हेलो गाइस, तो पूरे एनिमे कम्युनिटी में एक मूवी का चर्चा बहुत टाइम से चला आ रहा है और इस मूवी का नाम है शुज़ुमे नो तोजीमारी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मकाटो शिंकाई। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, बट कुछ फेमस मूवीज़ हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जो कि है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और योर नेम। मकाटो शिंकाई ने अपनी नई मूवी शुज़ुमे नो तोजीमारी को इंडिया में रिलीज़ कर दिया है 21 अप्रैल को, और ये मूवी हिंदी डब्ड अवेलेबल है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। और जिन सिनेमाघरों में ये दिखाए जा रहे हैं वो हैं आइनॉक्स, सिनेपोलिस और PVR। शुज़ुमे नो तोजीमारी को प्रमोट करने के लिए मकाटो शिंकाई खुद इंडिया आए थे। वो एक बार पहले भी इंडिया आ चुके हैं, बट लास्ट टाइम वो दिल्ली में आए थे, बट इस बार इस मूवी को प्रमोट करने के लिए वो मुंबई आए हैं। और उनका 2 दिन का इवेंट था 20th और 21st अप्रैल का, जहां पे कि ऑल ओवर रिपोर्टर्स और इंडिया के फेमस एनिमे फैंस वहां पे मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी की तरह मुझे भी इस इवेंट का इनविटेशन नहीं आया था, तो मैं अपनी मेहनत की कमाई हुए पैसे से 550 रुपये खर्च किए और मैं पहुंच गया आइनॉक्स सिनेमा थिएटर में, और जहां पे मैंने इस मूवी का एक्सपीरियंस लिया 4DX में। और गाइस, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे दिखा कि कुछ वहां पे लोग आए थे जो कि नारुतो, वन पीस और डीमन स्लेयर के टी शर्ट पहने हुए थे। तो मतलब देख के ऐसा लगा कि यार ये तो अपनी बिरादरी के लोग हैं। मतलब बिल्कुल अपना सा महसूस हो रहा था वहां पहुंच के। मकाटो शिंकाई ने जितने भी पहली मूवीज़ बनाई है उनमें से ये मेरी पहली मूवी है जो कि मैंने देखी है, और ये मूवी मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है हॉल में जाके। तो जो भी मेरा रिव्यू रहेगा वो ऑनेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं पिछले उनकी मूवीज़ से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। जब इस मूवी का पहले शुरुआत हुई थी तो ये मूवी इनिशियली जो लव स्टोरी होने वाली थी 2 लड़कियों के बीच में, बट चूंकि प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि जापनीज़ जो हैं अभी इस तरह की स्टोरी के लिए रेडी नहीं है, तो अंत में शिंकाई ने अपने इस स्टोरी में एक लड़का और एक लड़की की लव स्टोरी को रखा। शुज़ुमे नो तोजीमारी का जो लिटरली में इंग्लिश का मीनिंग है वो मतलब है शुज़ुमे इज लॉकिंग अप, दैट मीन्स शुज़ुमे को गेट बंद करने हैं। तो ये पूरी मूवी कहीं ना कहीं गेट के इर्द गिर्द घूमती है। मूवी में एक्शन सीन्स हैं और सस्पेंस है, और जो उसके उन्होंने शुरुआत के पार्ट और जो एंड के पार्ट का जो कनेक्शन को जोड़ा है वो बहुत ही मार्वलस है। मतलब शॉकिंग रिवीलिंग किया उन्होंने लास्ट में। अगर आप जा रहे हैं ये मूवी हिंदी में देख रहे हैं तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम जितने भी इंडियन फैंस हैं जो एनिमे देखते हैं वो देखते हैं जापनीज विथ इंग्लिश सबटाइटल। हिंदी डब पहली बार देखा है तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और मैं आप लोग को भी डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इसका हिंदी डब जाके देखिए। अगर आपको मेरे इस मूवी का रिव्यू अच्छा लगा तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर द फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।